हेलो नाइन्थ क्लास, टुडे वी विल लर्न बायोलॉजी चैप्टर 4 लेक्चर 18। द टॉपिक वी हैव हियर फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। वेल, इट्स क्लियर बाय इट्स नेम फैसिलिटेटिव, दैट मीन्स इट फैसिलिटेट्स फैसिलिटेट डिफ्यूजन। क्लियर? डिफ्यूजन को ये फैसिलिटेट करती है ताकि डिफ्यूजन हो सके। ठीक है, तो देखते हैं। अब डिफ्यूजन जो है बेटा, कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा, ये डिफ्यूज फ्रीली या इजीली डिफ्यूज नहीं हो सकते। ठीक है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ठीक है, तो इनको डिफ्यूज होने के लिए क्या करना पड़ता है? जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं कैन नॉट डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि साइज में बड़े हो सकते हैं और अपने साइज की वजह से नहीं उससे गुजर पाते। तो इन मॉलिक्यूल्स को ट्रीट करने के लिए, इन मॉलिक्यूल्स को इनटेक और उसको बाहर निकालने के लिए, इनटेक आउट ऑफ द सेल्स, इसके लिए ज़रूरत होती है हमें इसकी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की। इसकी ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है जो इसको फैसिलिटेट करता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को फैसिलिटेट करता है ताकि वो किससे गुजरते हैं? सेल मेम्ब्रेन से। किससे बेटा? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है सेल मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन को बेटा ये भी बोलते हैं सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमीएबल का मतलब क्या है? सेमी का मतलब है हाफ, परमीएबल यानी परमिट करती है। ठीक है, इजाज़त देती है कुछ चीज़ों को अपने अंदर दाखिल होने की इजाज़त देती है, तो कुछ को नहीं, यानी सिलेक्टिव मटेरियल जो है उसको वो ऐड करती है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया उसका, हमने बात की कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के ज़रिए डिफ्यूजन होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, इनको जानते हैं ना, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मूव्स अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इन द प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, जब ये बात करते थे ट्रांसपोर्ट चेन्स की, तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जब ये मूव करता है ना, मूव किसको करता है? मूव्स किसको करता है? सब्सटेंसेस को, सब्सटेंसेस को मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर टू लोअर रीजन में या कंसंट्रेटेड एरिया में मूव करता है। तो ये जो मूव करवाता है ना, कौन किसकी वजह से मूव होता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उसकी वजह से। तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की वजह से मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को बेटा बोलते हैं फैसिलिटेटिव। ठीक है, क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, क्लियर? अच्छा बेटा, यहाँ पे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा। यहाँ पर अगर इसको कंपेयर किया जाए ना, इफ वी कंपेयर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विद सिंपल डिफ्यूजन, तो इसका जो रेट होगा ना, इसकी जो शरह होगी, इसकी जो स्पीड होगी, द स्पीड और द वेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज ग्रेटर देन द सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर? ठीक है बेटा, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो इसके अंदर एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, नो एक्सपेंडिचर। नो
एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता। और यही वजह है कि इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है ना बेटा, वो क्या होती है, पैसिव होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है बेटा। जो सब्सटेंसेस की जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, या जो डिफ्यूजन होती है, वो क्या होती है, इसके अंदर जो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, हायर टू लोअर, वो जो सारा जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पैसिव होता है इसमें, क्योंकि एनर्जी की एक्सपेंडिचर नहीं होता, एनर्जी तो इसमें यूज़ ही नहीं होती, ठीक है बेटा। यही वजह है कि ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। चलो बेटा इसका इसको समराइज़ करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बड़ा तो नाम से जाहिर हो रहा है, जो फैसिलिटेट करती है, फैसिलिटेट करती है किसके जरिए, ट्रांसपोर्ट चेंज के, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की वजह से। और यही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जब मूव करते हैं तो इनकी जो मूवमेंट से जो सब्सटेंसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। और ये होती किससे है, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।